हेलो गाइस, दिस इज योर डेविड सोलंकी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। तो आज 30 दिन चैलेंज का अपना है दूसरा दिन। अपन आ चुके हैं ग्राउंड में, सुबह के बज रहे हैं 7। तो अभी करेंगे वॉकिंग, हो चुकी है ऑलमोस्ट 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे रनिंग और देखते हैं कि आज हमारी रनिंग कितनी होती है। कल हमने 2 किलोमीटर की रनिंग की थी, मतलब कि 5 राउंड। तो चलिए रनिंग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इस राउंड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज मैं कितना राउंड निकाल पाता हूँ। ये रहा ट्रैक, तो रनिंग शुरू करते हैं। और यहाँ से मेरे रनिंग की शुरुआत तो हो चुकी थी। आज था दूसरा दिन और दूसरे दिन में मैंने 5 राउंड निकाले, यानी कि 2 किलोमीटर। और शुरू शुरू में इतना काफी है। वैसे अगर बात की जाए 5 राउंड की, तो अभी तक मुझे कुछ ज्यादा दिक्कतें आई नहीं है, क्योंकि मैं जब भी दौड़ता था पहले, तब मैं 10-10 राउंड निकाल चुका हूँ। तो गाइस, दूसरे दिन भी अपन सक्सेस हो गए, मतलब कि 5 राउंड तो ऑलमोस्ट निकाल ही दिए। ऑलमोस्ट क्या, पूरे ही निकाल दिए। आज 6 राउंड निकालने की इच्छा थी, लेकिन 5 बड़ी मुश्किल से निकाले हैं। 5वां राउंड जबरदस्ती वाला निकाला है, लेकिन ठीक है, दूसरे दिन ऐसा होता रहता है। और अब आएगी बारी एक्सरसाइज की। तो गाइस, अपनी रनिंग कम्प्लीट हो चुकी है और ब्लॉग के लिए हमारे पास है हमारा इम्पोर्टेंट सामान, जो अपने एक्सरसाइज में काम आएगा। ये है GoPro का Hero 9, जो अपनी पूरी एक्सरसाइज रिकॉर्ड करेगा। साथ में है एक रस्सी और ये मोबाइल, जो अपन को एक्सरसाइज बताएगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और यहाँ से अपना मेन इम्पोर्टेंट काम चालू हो जाता है, एक्सरसाइज करने का। वैसे एक्सरसाइज में मोबाइल में देखकर ही करता हूँ, जिससे काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। और इस सेकेंड डे में मैंने टोटल 13 एक्सरसाइज की, जिससे मजा भी काफी ज्यादा आया और हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई। वैसे जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, एक्सरसाइज भी हमारी बढ़ती जाएगी। तो जुड़े रहिए आप इस 30 डे चैलेंज वाले ब्लॉग्स में। तो गाइस, दूसरे दिन की एक्सरसाइज हमने काफी ज्यादा हार्ड कर रखी थी और फाइनली जैसे तैसे करके निपट गई है। और थोड़ा सा मुश्किल मेरे को हुआ, क्योंकि समझ में नहीं आ रही थी एक्सरसाइज, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फाइनली जैसे तैसे करके एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब डेविड भाई रस्सी को देंगे, उनकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, अब लास्ट बाकी रह गई है। डेविड भाई रेडी हो? रेडी। ओके, 3 2 1 1 2 3 ओ शिट, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 6 7 8 9 10 15 21 22 23 4 5 6 7 8 9 16 17 18 19 20 पहली बारी में हमने 70 रस्सियाँ कूदी, दूसरी बार बहुत ही खराब गई 20 ही कूदी, और तीसरी बार में 50 कूदी, और अब फोर्थ एंड लास्ट। और ये एक्सरसाइज का हमारा लास्ट पार्ट रहेगा आज के दिन का। चलिए शुरू करते हैं। राहुल भाई आई एम रेडी। ठीक है, 3 2 1 100 पता नहीं भाई, काउंट नहीं की, बट तूने अच्छा किया। बहुत थक गया ना? तो गाइस, हमारे दूसरे दिन की सारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, और रस्सी कूदने में जब चौथी बार में इसने काउंट ही नहीं की, पता नहीं लास्ट कितने तक काउंट हुई थी। 30 तक ही। मैं भी थक जाता हूँ बोलते बोलते। मेरे अकॉर्डिंग 100 क्रॉस हो चुकी थी। और डे 2 का अपना एक्सरसाइज वाला पार्ट आज ये अब यही खत्म होता है, अब डेली रूटीन चालू होगा। और गाइज, एक और चीज, ये जो केले थे ये तो पूरे खराब हो चुके थे, तो आज का नाश्ता अपना हुआ ही नहीं है। और ये खाने पीने वाली चीजें भी इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या क्या खा रहा हूँ, कितना कितना खा रहा हूँ। ये सारी चीजें, बाहर की सारी चीजें मैंने अवॉइड कर दी है, लेकिन अगर गलती से भी खा लेता हूँ तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि अगर ये चैलेंज अच्छे से कम्प्लीट हो जाता है, तो 30 दिन के बाद अपने बॉडी में क्या फर्क आता है नहीं आता है, जो भी है, वो सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। और आई होप कि ये चैलेंज अच्छे से कम्प्लीट हो जाए। और आगे नवरात्र आ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा मन में डर है। सो गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ दुकान पे, और आज का अपना
मोस्ट इम्पोर्टेंट काम ये है कि सबसे पहले यहाँ का काम काज करना है, वही रेगुलर वाला साफ सफाई जो भी है, कस्टमर आया तो उनको निपटाना है। फिर जैसे ही थोड़ा सा मुझे ब्रेक मिलेगा तो उस ब्रेक में मेरे को डे वन का थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है, जो कि शाम को 6 बजे वीडियो आ चुका है और आपने देखा नहीं है तो आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पर अगर दुकान में टाइम मिला तो शॉर्ट्स की स्क्रिप्ट मैं यहीं लिखता हूँ। तो चलिए आज का काम काज शुरू। चलिए जी, तो फाइनली आज के सारे काम निपट गए हैं। दोपहर के बज रहे 1:30 और इस वक्त है लंच टाइम। लंच टाइम में रोटी, सब्जी, सलाद और दही, ये सब हम खाएंगे। और सही बताऊँ तो आज वर्कआउट ज़्यादा हो गया, एक्सरसाइज ज़्यादा हो गई, इसलिए पाँव में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, इसलिए सोना भी पड़ सकता है। और आज के दिन में बस दुकान से आने के बाद मैंने एक शॉर्ट्स की स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट दुकान पर लिखी थी, उसके बाद स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड किया और बस शॉर्ट्स को अपलोड किया। चलो भाई, तो लंच अपना फाइनली हो गया है और मुझे 1 से 1.5 घंटे की नॉर्मल नींद चाहिए, क्योंकि डे वन जो कि कल मैंने शूट किया था उसकी थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है, उसको एडिट करना है, उसको अपलोड करना है और दुकान के काम भी निपटाने हैं। तो बस 1-1.5 घंटे सोएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, सोने का मन था लेकिन कॉल आ गया कि चलो एडिटिंग में, इसलिए हम जा रहे हैं एडिटिंग, इसलिए सोना हो गया कैंसिल। अगर एडिटिंग के बाद टाइम मिल जाता है तो थोड़ा बहुत तो सो ही लेंगे। सो फाइनली गाइस, डे वन का वीडियो एडिटिंग का काम पूरा हो चुका है, आपने देखा ही होगा। आई होप आपको व्लॉग पसंद भी आया होगा। और शाम के बज रहे हैं इस वक्त 6 और मैं बैठा हूँ स्टूडियो में, व्लॉग एडिट कर रहा था और फाइनली कंप्लीट भी हो चुका है। तो भाई, ये था मेरा 30-day चैलेंज का 2nd डे। वैसे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखा रहा हूँ, वैसे पूरा लंबा करने जाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं सिर्फ खाने की चीज़ें ही बता रहा हूँ, और रनिंग और एक्सरसाइज वो तो बताना ही बताना है। इसके अलावा मैं कुछ ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये था 2nd डे और आई होप आपको 2nd डे पसंद आया होगा। वैसे धीरे धीरे सारी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी तो व्लॉग भी बढ़ते जाएंगे और व्लॉग में मजा भी आता जाएगा। तो 2nd डे को करते हैं यही क्लोज, मिलते हैं 3rd डे में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।